जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी, दिग्गजों की किस्मत आज मतदान पेटी में हो जाएगी बंद। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा सेंट्रल साटेंग से लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद ईडी ने भी कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने आरिफ अनवर हाशमी और उनके करीबियों से पूछताछ के बाद करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कर लिया है जब्त। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी बेटे को सुनाई उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। आरोपी के भाई ने साल 2023 में बुलंदशहर कोतवाली देहात में दर्ज कराई थी शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री बीजेपी के चुनाव प्रचार को देंगे धार। इसे जन आशीर्वाद रैली दिया गया है नाम। रैली में रोहतक, सोनीपत, पानीपत के बीजेपी उम्मीदवार और नेता होंगे शामिल। इस रैली के जरिए 22 विधानसभा को कवर करने की है कोशिश। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय सिंधे के सिर में लगी थी गोली और ज्यादा खून बहने की वजह से हो गई है उसकी मौत। अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नवी मुंबई की तलोजा जेल से महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर ले जाते समय पुलिस ने किया था एनकाउंटर।